हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में सीखेंगे डार्क ब्लैक पोर्ट्रेट फोटो एडिटिंग करना। अगर आप भी करना चाहते हैं इस तरह एडिटिंग तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपनी फोटो को एडिट कर लेना है। फोटो का बैकग्राउंड ब्लैक हो और इसके बाद एड फोटो में जाके बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को एड कर लेना है। ऐड होने के बाद इसे जूम करना है और जूम करने के बाद इस तरह से एडजस्ट कर लेना है अपनी फोटो के अनुसार जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। एडजस्ट होने के बाद इरेजर पे जाना है और यहाँ से इसकी हार्डनेस को 0 पे कर देना है और अब कॉर्नर पर से इस तरह से इरेज करना है। इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर को इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद यहाँ से इसे कर देना है डन। डन करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। अब इसकी लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद अब फ्लिप एंड रोटेट पे जाना है और इसे फ्लिप कर लेना है और इसे अब दूसरी साइड एडजस्ट कर लेना है। इसे जूम कर लेना है। जूम करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसके ओपेसिटी पे जाना है और इसको 80 तक कम कर लेना है। अब फर्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और इसकी भी ओपेसिटी को 60 तक कम कर लेना है और इसे कर लेना है यहाँ से डन। डन करने के बाद अब ऊपर की तरफ आना है टूल्स पे और यहाँ से एडजस्टमेंट पे आना है। एडजस्टमेंट पे आने के बाद सैचुरेशन पे आना है और इसको -100 कर देना है। -100 करने के बाद इसे कर देना है डन। अब आना है इफेक्ट्स पे और इफेक्ट्स आने के बाद एपेक्स पे आना है और एसडीआर वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करना है और इसके फेड को थोड़ा बड़ा लेना है 35 तक। इसे मर्ज कर लेना है। अब इसी में लास्ट में आना है विग्नेट वाले पे। इसकी साइज को 100 पे कर देना है और फेड को 30 तक बढ़ा देना है और इसे कर देना है डन। डन करने के बाद अब चलना है एड फोटो पे और एड फोटो पे आने के बाद यहाँ से एक लाइट के पीएनजी को ऐड करना है। पीएनजी ऐड होने के बाद इसके ब्लेंडिंग पे जाना है और ब्लेंडिंग को मल्टीप्लाई कर देना है और इसे जूम करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना है ताकि कॉर्नर डार्क हो सके और इसे कर देना है डन। डन करने के बाद अब फिर से ऊपर की तरफ टूल्स पे आना है और एडजस्टमेंट पे आना है और यहाँ से इसके ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाना है 30 के आसपास बढ़ा लेना है। अब आना है कॉन्ट्रास्ट पे और इसको भी बढ़ा लेना है। क्लैरिटी पे आना है, क्लैरिटी को भी थोड़ा बढ़ा लेना है और अब आना है हाईलाइट पे। हाईलाइट को डिक्रीज कर लेना है 25 तक और इसे कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद अब आना है इफेक्ट्स पे और सिंपल पे आना है। इफेक्ट्स पे आना है और यहाँ से सिंपल वाले पे आना है और आगे की तरफ आना है जो सिनेरामा का इफेक्ट है इसे ऐड करना है और इसके फेड को कम कर लेना है। फेड को 70 तक रख लेना है और इसे कर देना है डन। डन करने के बाद हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।